एक लड़की ने सुसाइड की ट्राई की और उसके बाद उसका एक्स हस्बैंड और लवर ये दोनों उसे कन्फ्रंट करते हैं। आखिर इस मोड़ तक उसकी लाइफ पहुंची कैसे, यह आज की हमारी मूवी द डीप ब्लू सी, ये 2011 के एक हॉलीवुड मूवी में हम जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन कैरेक्टर हेस्टर को देख सकते हैं। उसने रात में फ्रेडी के लिए एक लेटर लिखा, कुछ गोलियां ली और सुसाइड करने का ट्राई किया। ये जो हमारी स्टोरी है इसका टाइम पीरियड 1950s का। इस सब के पीछे का रीजन अब हमें पता चलता है। हेस्टर का एक हस्बैंड था जिसका नाम था विलियम, पर हेस्टर का अफेयर ये फ्रेडी के साथ हो गया जो विलियम का फ्रेंड है। फ्रेडी भी हेस्टर को बहुत लाइक करता है। उसने कहा, मैंने मेरी जिंदगी में तुमसे ब्यूटीफुल लड़की कोई भी नहीं देखी। ये इन दोनों की पहली मुलाकात थी। इसके बाद ये दोनों मिलने लग गए थे। फ्रेडी एक्चुअल में एक पायलट था जो रिटायर होकर अब घर आ चुका था। अपने वॉर के किस्से वो हेस्टर को सुना था। उसमें एक एक्साइटमेंट थी, एक एडवेंचर था, इसी वजह से हेस्टर फ्रेडी को लाइक करने लग गई। वो दोनों फिर इंटीमेट हो गए थे। इसके बाद हमें फिर से प्रेजेंट दिखाया जाता है। हेस्टर के लैंडलॉर्ड को पता चल गया कि हेस्टर ने सुसाइड का अटेम्प्ट किया है। उसने जल्दी से हेस्टर की हेल्प कर दी। इसी बिल्डिंग में मिस्टर मिलर रहते थे। उन्होंने कहा, गोलियों का इतना कम डोज लेने से किसी की भी डेथ नहीं हो सकती। हेस्टर को इसके बारे में पता नहीं था। आजकल हेस्टर अपने हस्बैंड विलियम को छोड़कर फ्रेडी के साथ रह रही थी, पर फ्रेडी कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ था। हेस्टर के कॉन्टेक्ट में फ्रेडी का फ्रेंड भी है जिसे बुलाया जाता है। हेस्टर ने लैंडलॉर्ड से कहा कि प्लीज इसके बारे में फ्रेडी को कुछ भी मत बताना, मैं पागल थी जो ये सब कर रही थी। फिर से फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि हेस्टर और फ्रेडी हमेशा मिलने लग गए थे। जो भी सिचुएशन थी इसे कन्फेस करने के लिए वो चर्च में गई। वो फादर से पूछती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। फादर ने कहा, तुम्हारा एक हस्बैंड है, तुम्हें उसके पास वापस जाना चाहिए। एक दिन हेस्टर विलियम के साथ अपनी मदर इन लॉ के पास गई हुई थी। उसकी मदर इन लॉ और वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा हेट करते हैं। विलियम ने कहा, प्लीज उसे एक दो दिनों के लिए झेल लेना। रात में डिनर करते वक्त मदर इन लॉ ने पूछा, क्या तुम कोई गेम खेलती हो? टेनिस वगैरह खेलना विलियम को बहुत अच्छा लगता था। हेस्टर कहती है कि इन गेम्स का वगैरह मुझे कुछ पैशन नहीं है। मदर इन लॉ ने कहा, इस तरीके से पैशन की बातें करना अच्छा नहीं होता। आदमी को सिर्फ थोड़ी सी एक्साइटमेंट होनी चाहिए। पैशन आदमी को बहुत ही गलत रास्ते पर लेकर जाता है। ये बात हेस्टर को अच्छी नहीं लगी। वो कहती है, मुझे हमेशा से टेनिस वगैरह खेलना वेस्ट ऑफ टाइम लगा था। इन दोनों में झगड़ा होने वाला था पर विलियम इन्हें रोक लेता है। अगले दिन सुबह ये टी के लिए फिर से मिले। मदर इन लॉ ने अपने गार्डन का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा था। हेस्टर इसके बारे में उसे कॉम्प्लीमेंट करती है। मदर इन लॉ ने कहा कि लोगों से मिलने से अच्छा ये गार्डन होते हैं, इससे आदमी सेफ रहता है। मदर इन लॉ इस तरीके से बात कर रही थी जैसे उसे हेस्टर के बारे में पता ही है। विलियम ने कुछ चाय लाई जो मदर इन लॉ हेस्टर को बनाने के लिए कहती है। जैसे हेस्टर ने बनाई ये मदर इन लॉ को अच्छी नहीं लगती, तो इन सारी चीजों पर हेस्टर को गुस्सा आ गया और अपने रूम में वो चली जाती है। रूम में जाकर वो फ्रेडी से बात कर रही थी। ये दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे थे और जल्दी एक दूसरे से मिलेंगे इस पर ही डिस्कशन कर रहे थे, पर ये सब विलियम ने सुन लिया। वो बेचारा हार्ट ब्रोकन हो जाता है। उसने पूछा कि ये सब चलते हुए कितना टाइम हुआ। हेस्टर कहती कि अब बहुत टाइम हो चुका है। विलियम कहता है कि मदर के सामने मुझे कुछ भी तमाशा नहीं करना, नीचे गाड़ी में मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। उसने गाड़ी में कहा कि मैं तुम्हें कभी भी डिवोर्स नहीं दूंगा, मैं तुम्हें जितनी तकलीफ दे सकूं उतने देने का बहुत ट्राई करूंगा। हेस्टर ने उसे कहा कि तुम मेरे फादर की तरह बात करते हो उसी टोन से, वो विलियम का बिहेवियर टॉलरेट नहीं कर सकती। विलियम ने कहा कि सब कुछ सही चल रहा था, थोड़े से प्लेजर के लिए तुम सब कुछ दांव पर कैसे लगा सकती हो। वो उससे अब कभी भी मिलना नहीं चाहता था। गाड़ी रोक कर वहां से वो चला गया। इस इंसिडेंट के बाद ही फ्रेडी और हेस्टर ये दोनों एक साथ रहने लग गए थे। फिर से हम प्रेजेंट में आते हैं। अभी अभी हेस्टर ने सुसाइड का ट्राई किया था और अगली सुबह वो फ्रेडी का वेट कर रही थी। फ्रेडी घर पर पहुंचा, हेस्टर सैड म्यूजिक सुन रही थी तो हैप्पी म्यूजिक लगा देता है। उसकी ट्रिप कैसे थी इसके बारे में एक्साइटेड होकर सब कुछ चीजें बता रहा था। हेस्टर उसे कुछ भी बात नहीं कर रही थी। उसने रियलाइज किया शायद उसने कुछ गलती की है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको आज के स्पॉन्सर के बारे में बताना चाहता हूँ, 1xBet। इस वेबसाइट पर आप फ्री में लाइव मैचेस देख सकते हो। स्पोर्ट्स में बेटिंग कर भी आप यहाँ से पैसे कमा सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है और टेल्स ये प्रोमो कोड भी आप यूज कर सकते हो। लिंक या प्रोमो कोड से अगर आप साइन अप करते हो तो आप जो भी डिपॉजिट करोगे उस पर 130% एक्स्ट्रा बोनस आपको मिलेगा। तो जाकर एक बार इस वेबसाइट को जरूर चेक कीजिएगा। मैं तो आपसे फ्री के मैचेस यहाँ पर ही देखूंगा। फिर से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उसे फिर याद आता है कि कल हेस्टर का बर्थडे था। पूरी तरीके से वो भूल चुका था। वो फिर हेस्टर के पास आया, उसे सॉरी कहा, गले लगाया, किस किया। हेस्टर भी उसे माफ कर देती है, पर हेस्टर के पास फ्रेडी को एक पॉकेट मिला
इस पॉकेट में उसके लिए नोट लिखी थी। ये वही सुसाइड नोट है। हेस्टर कहती कि प्लीज इसे पढ़ो मत, पर फ्रेडी ने कहा कि इस पर मेरा नाम लिखा है। ये पढ़ने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वहां से चला गया। फ्रेडी के जाने के बाद हेस्टर का हस्बैंड विलियम वहां पर पहुंच गया। लैंडलॉर्ड को हेस्टर के हस्बैंड को बताना सही लगा था। हेस्टर उसे यहाँ देखकर सरप्राइज थी। हेस्टर ने कहा कि लास्ट टाइम हम जब मिले थे तो तुमने कहा था तुम्हें मुझसे फिर से कभी भी नहीं मिलना। विलियम कहता है कि तब मैं गुस्से में था, तब मैं कुछ भी बात कह रहा था। क्या फ्रेडी ने तुम्हें छोड़ दिया है? हेस्टर कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पूछती है कि क्या अब भी तुम टेनिस वगैरह प्ले करते हो? विलियम कहता है कि हाँ। विलियम के फ्रेंड्स के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में हेस्टर ने जरा डिस्कस किया। विलियम पूछता है कि फ्रेडी अभी भी तुमसे प्यार करता है? हेस्टर ने कहा कि 10 महीने पहले जितना वो करता था उतना ही करता है, पर 0-0 जीरो ही होता है। इसका मतलब है हेस्टर को लगता है कि फ्रेडी उसे कुछ भी प्यार नहीं करता। विलियम ने पूछा, तुम फिर मुझे छोड़कर गई क्यों? हेस्टर कहती है कि मुझे तुमसे कुछ भी मिल नहीं पाता था। फ्रेडी मेरे साथ कुछ ना कुछ तो पैशन दिखाता है। जिस तरीके से हेस्टर फ्रेडी से प्यार करती है, वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि फ्रेडी भी उसी तरीके से उससे प्यार करे। इसी वजह से उसने सुसाइड का ट्राई किया था। विलियम ने कहा कि अगर हमारी शादी में हमें बच्चे होते तो क्या कुछ चेंज होता? हेस्टर ने कहा कि हमारे बीच में जो भी था इसमें कोई भी चेंज आने नहीं वाला था। फ्रेडी आज गुस्सा होकर अपने फ्रेंड के साथ पब में गया था और वहीं पर हेस्टर उसका पीछा करते हुए पहुंच गए। उसे बात करने के लिए उसे बाहर लेकर गए। फ्रेडी अपने फ्रेंड को भी साथ लेकर आता है। उसके सामने ये दोनों झगड़ने लग गए। फ्रेडी कहता है कि मैं सिर्फ बर्थडे भूल गया और अगले दिन मैं डायरेक्टली सुसाइड नोट पाता हूँ। अगर हर लड़की ऐसा करती तो बहुत सारी लड़कियां सुसाइड कर चुकी होती। हेस्टर ने सब किया, उसे बहुत बुरा लगा था। हेस्टर ने लेटर में लिखा था कि तुम जो हो वो हो, तुम बदल नहीं सकते और मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करती। पर इससे क्लियर था कि फ्रेडी हेस्टर से वो जितना उसे प्यार करती है उतना कर नहीं पाता। इस वजह से हेस्टर सुसाइड कर रही है। फ्रेडी को बहुत बड़ा शौक लगा था कि उसकी वजह से हेस्टर ने सुसाइड करने का ट्राई किया। वो अपने फ्रेंड से कहता है कि जितना मैं उसे प्यार कर सकूँ उतना मैं करता हूँ। तुम किसी से जितना प्यार करो उतना ही प्यार तुम्हें वापस मिले, ये कहीं भी लिखा नहीं हुआ है। मैं मेरी तरीके से उसे बहुत प्यार करता हूँ। हेस्टर कहती कि मेरे ऐसा लिखने का कोई भी मीनिंग नहीं था, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे साथ घर पर आ जाओ। फ्रेडी उसे स्ट्रिक्टली मना कर देता है। अब फ्रेडी हेस्टर के पास वापस जाना नहीं चाहता था। हेस्टर ने कहा कि प्लीज आज रात मेरे घर चलो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूंगी। पर फ्रेडी ये बात मानता नहीं। हेस्टर को फिर सहारा देने के लिए फ्रेडी का फ्रेंड रुका। उसे समझाता है कि लाइफ में प्यार ही सब कुछ नहीं होता, कपल के बीच में कंपेटिबिलिटी भी एक चीज होती है, शायद वो सबसे ज्यादा मैटर करती है। फ्रेडी को तुम्हारे साथ चलना चाहिए था। हेस्टर कहती कि शायद उसे पता था मैं कभी भी अपना प्रॉमिस रखती नहीं। मैं उसे बात करती, उसे मनाने की कोशिश करती, वो मुझे मुझसे ज्यादा जानता है। फ्रेडी के फ्रेंड ने कहा कि मैं उसे घर पर लेकर जाता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ, रात में मैं तुम्हें कॉल करूंगा। इसके बाद हेस्टर और फ्रेडी के रिलेशनशिप में हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। एक दिन ये दोनों आर्ट एग्जीबिशन के लिए गए हुए थे। एक पेंटिंग फ्रेडी को बहुत ही फनी लगती है, पर हेस्टर इसके बारे में बहुत कुछ जानती थी। वो फ्रेडी को उसने स्टूपिड समझा। इस बात पर इन दोनों का बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। घर आने पर हेस्टर ने उसे मना लिया। इसी टाइप के इनके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स थे, पर एक दूसरे से प्यार करते थे, इसी वजह से ये सब चीजें चल रही थी। रात में हेस्टर को फ्रेडी के फ्रेंड का कॉल नहीं आता तो खुद ही कॉल कर लेती है। उसने फ्रेडी से फोन पर बात की। उसने कहा, तुम्हारा जॉब का क्या हुआ, क्या तुम्हें वो मिल गया? फ्रेडी कहता है कि मिल चुका है, नेक्स्ट वीक से अपनी जॉब पर वो जाने वाला था। हेस्टर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है, कहती है जाने से पहले अपना सब सामान लेने के लिए प्लीज तुम खुद आना, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं भूलूंगी, प्लीज एक बार मुझसे मिल लेना। वो चलते चलते घर पर आती है और उसका विलियम वेट कर रहा था। वो उसके लिए बहुत ही वरीड है। विलियम कहता है कि तुमने ये सब किया क्यों? हेस्टर कहती कि फ्रेडी के साथ वो कुछ ना कुछ तो फील करती थी जो विलियम के साथ उसने कभी भी किया नहीं था। विलियम चाहता है कि हेस्टर फिर से उसके पास आ जाए, उसका ख्याल रखना चाहता था, पर तभी यहाँ पर फ्रेडी आ गया। वो विलियम की बहुत इंसल्ट करता है, कहता है क्या अब भी तुम इसे प्यार करते हो? फ्रेडी के अंदर जाने के बाद विलियम ने हेस्टर से कहा कि हाँ अभी भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम अगर चाहो तो फिर से मेरे पास वापस आ सकती हो। हेस्टर कहती कि हम देखते हैं कि फ्यूचर में होता क्या है। हेस्टर जब बिल्डिंग में आई तो उसके लैंडलॉर्ड का हस्बैंड, जो बहुत ही ओल्ड था, उसके ख्याल वो रख रही थी। लैंडलॉर्ड ने हेस्टर को देखकर उसे बात की, कहा कि जो तुमने कल किया ये फिर से होना नहीं चाहिए। हेस्टर कहती कि यह सब एक मूवमेंट में हुआ था। लैंडलॉर्ड ने उसे कहा, प्यार के बारे में बहुत सारे लोग रबीश चीजें बोला करते हैं, पर एक्चुअल प्यार क्या है? मैं और मेरा हस्बैंड इतने सालों से एक साथ रह रहे हैं,
मैं आज भी उसका ख्याल रख रही हूँ। इसे सच्चा प्यार कहते हैं। किसी के प्यार के लिए तुम्हें जान देनी पड़े, इतना इंपॉर्टेंट कोई भी आदमी नहीं होता। ये सब सुनकर हेस्टर फिर से ऊपर आ गई। हेस्टर फ्रेडी से कहती है कि तुमने मुझसे तो कहा था तुम फिर से एयरफोर्स नहीं ज्वाइन करना चाहते, आजकल तुम्हारा जजमेंट उतना साफ नहीं है। फ्रेडी कहता है कि मुझे एक दो वीक लगेंगे, फिर से मैं पहले जैसा हो जाऊंगा। हेस्टर ने पूछा क्या हम दोनों एक साथ जा रहे हैं। फ्रेडी कहता है कि नहीं, आज जो हुआ उसके बाद नहीं। तुम्हें एक्सपेक्ट कैसे कर सकती हो, मेरी वजह से तुम्हें सुसाइड करनी पड़ी, इसके बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। हेस्टर ने कहा कि तुम्हारे जाने के बाद अगर मैंने फिर से ट्राई किया तो फिर क्या होगा। फ्रेडी कहता है ये चांस हम दोनों को लेना पड़ेगा। हेस्टर फ्रेडी से कहती है कि प्लीज आज रात यही रुक जाओ, मैं तुमसे कुछ भी बात नहीं करूंगी, कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करूंगी। वो आज रात बहुत ही अकेला महसूस कर रही थी। सुबह फ्रेडी अच्छे से सूट वगैरह पहनकर रेडी हो गया। अब वो अपनी जॉब पर जाने वाला था। हेस्टर उसके शूज देकर उसे पॉलिश कर देती है। फ्रेडी अब भी हेस्टर के लिए केयर करता है। उसने कहा मेरा सब कुछ सामान वगैरह बेच कर तुम्हें $30-40 मिल जाएंगे जिसे तुम रेंट वगैरह दे सकती हो। उसने पूछा कि अब तुम क्या करोगे। हेस्टर कहती कि मैं पहले तो डिवोर्स लूंगी, उसके बाद कुछ ना कुछ तो न्यू ट्राई करूंगी। फ्रेडी को सुनकर अच्छा लगा कि हेस्टर अपनी लाइफ को लेकर जरा ऑप्टिमिस्टिक थी। वो वहां से चला जाता है पर हेस्टर बहुत रोई। पूरी मूवी में हेस्टर अपनी खिड़की से कुछ ना कुछ तो बाहर देख रही थी। अब हम देख सकते हैं कि उसकी खिड़की से वो एक बर्बाद हुआ घर देख रही थी। वो रियलाइज करती है कि उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। सब हो जाने के बाद वो फिर से अपनी लाइफ को लेकर जरा ऑप्टिमिस्टिक थी। जैसे लैंडलॉर्ड ने कहा कि किसी से प्यार करने का मतलब उनके साथ एंड तक होना, इस रियल लव को फिर से एक्सपीरियंस करना चाहती थी। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। किसी ने सच कहा है उसका मिलना तकदीर में ना था, वरना मैंने क्या कुछ नहीं खोया उसे पाने के लिए। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक न्यू मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।